हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल 150 ग्राम कॉमेडी पर। देखिए, यहाँ पर बरमान घाट नरसिंहपुर में ये इस पेड़ पर अपने पुराने कपड़े बांधने से इंसानों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये इस पेड़ पर बांधने से देखिए किस तरीके से पूरा पेड़ कपड़े कपड़े से बंधा हुआ मिलता है। ऐसा पेड़ जहाँ पर इंसान की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, यहाँ आकर लोग कपड़े बांधते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हम आ चुके हैं इतने विशाल इमली का पेड़ जिस पर कपड़े बांधने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप भी आएं और अपने कपड़े यहाँ पर बांधें। सॉरी फ्रेंड्स, यही वो पेड़ है जिस पर कपड़े बांधकर टांगने से देखिए कपड़े टांगने से क्या आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यस, आपकी मनोकामना यहाँ पर आने से अवश्य पूर्ण होंगी। ये लोकेशन जो है एमपी के नरसिंहपुर जिले में स्थित बरमान घाट, जहाँ से ये कच्ची सड़क है, वहाँ पर ये पेड़ जो है, यहाँ पर कपड़े बांधने से इंसानों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये जो पेड़ है, यहाँ पर आप आएं और कपड़े बांधें, पुराने कपड़े बांधें। अगर कपड़े ना हो तो अपने शर्ट पैंट उतार कर बांधें, जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी। कितना अंधविश्वास रखते हैं लोग कि भाई यहाँ कपड़े बांधो, ये होगा वो होगा। इतना अंधविश्वास सनातन धर्म में आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा। क्या है ईश्वर, क्या है ईश्वर को मानो दिल से। वो कहते हैं मानो तो पत्थर भी भगवान है, ना मानो तो पत्थर है ही। जैसे कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ये देखिए लोगों का ये अंधविश्वास, कैसा अंधविश्वास है ये। ये एक पेड़ को जो हमको ऑक्सीजन देता है, उस ऑक्सीजन के जरिए हमको जो जीवन मिलता है, लेकिन लोग यहाँ कपड़े बांध बांध कर देखिए किस तरीके से ये कपड़े बांध बांध कर ये क्या कर रहे हैं। ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या है, क्या है ये। ऐसा होना चाहिए कि नहीं, आप ही कमेंट करके बताएं मुझे। भाई ऐसा अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। एक जो पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है, उस ऑक्सीजन पर लोग रोक लगाते हैं। किस तरीके से अंधविश्वासी लोग अंधविश्वास करते हैं। ये अंधविश्वास ना करें, कृपया कर मेरी लोगों से गुजारिश है, ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ें। हम आपको दिखाते रहेंगे कुछ ऐसे ही फैक्ट जो अंधविश्वास से जुड़े हैं। आप हमारे साथ बने रहें और हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये अंधविश्वास ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। आप कृपया कर अपने मन से ये अंधविश्वास निकालें और ये अंधविश्वास ना रखें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।